बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को वेलकम करती हूँ। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, तमाम दोस्तों के लिए, तमाम सब्सक्राइबर के लिए और हमारे लिए। तो फ्रेंड, चलिए मैं अपनी वीडियो की तरफ चलती हूँ। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने चैनल पर, वो कुरेशे से बनाए हुए बहुत से पैटर्न दिखाए जा रहे हैं, जिसमें आपको ज्वेलरी भी नज़र आएगी, यानी कि एयरिंग भी और की चैन और बहुत से छोटे छोटे पैटर्न दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि छोटा सा एक हैंड बैग है, या हमारा पाउच है, या आप ये देख सकते हैं इस तरह हम रबर बैंड बना लें, हेयर बैंड बना लें, या इस तरह से छोटा सा पर्स बना लें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम आपको दिखा रहे हैं पैटर्न के तौर पर, ये आइडियाज़ होते हैं कि आप किस तरह के कलर के साथ किस तरह की चीज़ें लगाकर कुरेशे से क्या कुछ बना सकते हैं। आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे कप बनाए हुए हैं, कप के मुख्तलिफ डिज़ाइन थे, और ये देख सकते हैं आप किचन के मुख्तलिफ तरीके हैं और मुख्तलिफ डिज़ाइन से किचन बनाकर दिखाई गई है। इसमें कुछ भी आप देख सकते हैं, कोई जानवर परिंदे की चीज़ें बनाई हुई होती हैं, कोई हार्ट बनाया होता है, कोई पत्ते की शक्ल होती है, कोई एयरिंग होते हैं, टॉप्स होते हैं, नेकलेस हैं, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसमें जो आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टसल है, टसल को आप पिन के साथ बना लें, आप कहीं भी अपनी ड्रेस के साथ अटैच करना चाहें कलरफुल बनाकर, और आपकी सेफ्टी पिन जो होगी वो इस तरीके से आप अटैच करें कि पिन भी नुमाया ना नज़र आए, और आप जब अपना ड्रेस वॉश करें, या आपका के पास छोटी छोटी की चेन है या पर्स है या हैंड बैग है, उस पर भी आपने अगर टसल लगाए हुए हैं पिन के साथ, अगर आप उसे वॉश करते हैं, और वो कुछ रेशम टाइप हमारे टसल होते हैं, वो ज़्यादा से रफ़ ना हो जाएं, तो हम पिन किया हुआ टसल उतार लेंगे और उसको इजी तरीके से वॉश कर लेंगे, ताकि हमारा वो नॉर्मल सा हम उसको स्टिच करेंगे हल्का हल्का पानी के साथ, तो वो हमारे फ्रेश हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको जो डिज़ाइन दिखाए जा रहे हैं ये ज़्यादातर की चेन है,